أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه حمد و ثنا الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک خطبہ جمعۃ المبارک دا درس و تدریس دا تعلیم و تعلم دا جڑا سلسلہ ہے انو قبول و منظور فرما لیا کرے پیارے بھائیو پچھلے دنوں جناب نے واقعہ معراج سنیا پھر فلسفہ معراج یعنی معراج کیوں ہوا یہ تو سارے بیان کر دینے کہ معراج ہویا تو اڈی مسجد دے اس طالب علم نے ادنا دے طالب علم نے یہ دسیا کہ معراج ہویا تے معراج ہویا کیوں او دے چ حکمتاں کی سن مین جڑی حکمت سی اللہ نے اپنے نبی سونے نو اپنے کول بلا کے تحفے عطا فرمانے سن گفٹ دینے سن گفٹ جو جی اونا گفٹ جڑے عرش والے نے اپنے کول آسمانا پار بلا کے کیڑی جگہ تے عند سدرت المنتہا جتھے ساریاں دیاں ساریاں نیچے والیاں مخلوقاں دی انتہا ہے نیچے والیاں مخلوقاں اس تو اگے نہیں جا سکدیاں اتے والیاں نیچے نہیں آ سکدیاں یہ عرش والے نے نظام اپنی موج اور اپنی ٹور دا بنایا جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیوں جی جو چاہے کر سکتا ہے تو لہذا اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نو اپنے کول بلا کے اپنا مہمان بنا کے مہمان نوازی دے طور تے تسی سنیاں تین تحفے عطا فرمائے پہلا تحفہ پنجا نمازاں دا کیوں جی دوسرا سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں تیسرا تحفہ کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ سونے آن جا تیری امت دے جتنے بھی موحد لوگ ہون گے انہاں نوں مشرک نہ ہون موحداں دی بخشش دا اللہ نے وعدہ فرما لیا کیوں جی تین تحفے دتے نا انہاں تحفیاں چوں پہلا تحفہ عرض کریے کیوں جو پہلا ہی بنیادی دین دا ستون ہے نماز
नमाज की अहमियत का पता चले उन्होंने तिना तोहफिया चो पहला तोहफा नमाज। देखो अहमियत है ना, हज रब दे हजूर सवाल किया जाएगा हर अमल के बारे के अंदर, सब तो पहले पूछा जाएगा नमाज के बारे अंदर। एक हदीस अंदर आता सब तो पहले कतल के बारे अंदर, खून बहाने के बारे अंदर पूछा जाएगा, तू ना हक फलाने का खून बहाया तो क्यों बहाया, एदी तत्बीक ये है। फिर इन्हां चो पहले केड़ा हकूकुल इबाद के बारे के अंदर, सब तो पहले कतल ना हक खून बहाने के बारे के अंदर पूछा जाएगा, हकूकुल्ला के बारे के अंदर सब तो पहले नमाज के बारे पूछा जाएगा। ये तत्बीक हदीसा दी, इन्हू कहते तत्बीक, हदीसा एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हो सकदियाँ, ये तत्बीक दी गई। तो लिहाजा सुबहान अल्लाह तोहफा मिलया मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद, और दिल खुश करता अल्लाह की कसम योजे लोगों को बयान करने का ही लुत्फ करा। अल्लाह थोड़े इस शौक शौक न अपनी रहमत नाल कबूल फरमा के दुनिया ते आखरत दिया भलाइया थोड़ा मुकद्दर कर दे। जी मेरे प्यारे भाई तवज्जो फरमाना, अल्लाह करीम ने मेरे तेरे प्यारे महबूब मुहम्मद, दिल ठर जाए कलेजे ठंड पै जाए दरूदा दी छल पै जाए, क्यों जो अल्लाह आसमाना तो रहमतां दिया छलां पा देगा। जी मेरे सोने वीर इधर सुनदिया चला जाना, अल्लाह ने मेरे प्यारे नबी सोने नु मुखातिब करके फरमाया उतलू मैं किताब, उतलू तिलावत फरमा दो, तिलावत करो, उतलू पढ़ो पढ़ के सुना दियो, मिनल किताब, जेड़ी चीज तुहाड़ी तरफ किताब चो वही की गई, ऊहिया जो वही की गई, इलई का आपकी तरफ किताब में से, मिनल किताब, जी जी फरमाया केड़ी चीज वही की गई, केड़ी तालीम दे दियो, केड़ी चीज पढ़ के सुना दियो, केड़ी चीज दी तिलावत फरमा दियो, व आखी में सला क्यों जी नमाज कायम करो, गोया के वही दा मकसद, क्यों जी सारे दीन दा मकसद, शरीयत नाजल फरमाने दा मकसद, पूरे दीन दा खुलासा ते दीन दा मकसद, वही दा मकसद, व आकीम सला ए जे मकसद नमाज ही कायम करना, पूरा दीन गोया के नमाज है, ते नमाज नहीं ते पूरा दीन ही गिर गया। जो सतून गिर जाए इमारत सारी धड़म, क्यों जी जिस सतून ना सतून उत्ते इमारत खड़ी होती है वो दीन का सतून है नमाज, ते सतून गिर गया ते इमारत सारी गई, दीन सारा गया, क्यों जी दीन सारा ही खत्म जे नमाज नहीं। गल नमाज की अहमियत का पता चलिया पहली आयत अंदर फरमाया जी अल्लाह करीम ने कि अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया नमाज बेहयाइयां ते बेबुराइयां तो रोक दिए। तुसी कहोगे किवें रोक दिए नमाज, एक बंदा नमाज भी पढ़ता है चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है जना भी करता है, नमाज भी पढ़ता है झूठ भी बोलता है, नमाज पढ़ता भी है ते नाल वादा खिलाफियां भी की जाता है, नमाज पढ़ता है अपने जनाब दोस्तों का भाइयों का अजीजों का हक भी खाधी जाता है। तुझी कहते बुराइयां तो रोक दी, क्यों जी यदा जवाब सुनो, सुनो जवाब हूँ जेन हाजिर रख के सोने, अजान हो गई असी नमाज वास्ते आ गए मस्जिद अंदर आए ना, बुराई तो नहीं कोई करते पे, बुरे काम तो बचे हुए हैं ना, ते जदों तेरा दिल मस्जिद वाल जुड़ जाएगा
ते बस मस्जिद वाली ख्याल है जी सजदियां वाल ख्याल ते जिस बारगाह दे अंदर सजदा रेज होना है ओदी अहमियत ओदी किबरियाई ओदी बड़ाई ओदी रिफत बुलंदी जदों ज़हन अंदर समा गई ते बस बुराई तेरे नेड़े नहीं आएगी। तू बुराई तो दूर हो गया, बुराई तो बेहयाई तो अल्लाह ने तेनू बचा लिया। ये तेरी नमाज जदी वजह करके अल्लाह ने तेनू बुराई ते बेहयाई तो बचाया। समझ आ गई? एक दिन बच जाएगा, एक दिन उदियां बुराइयां छुट जाणगियां। हाँ जी, पक्का ही हुंदा चला जाएगा। तअल्लुक जदों रब नाल मजबूत हो जाए, नमाज पढ़दा पढ़दा रब दे नेड़े हो जाए। क्यों जी? उस वेले अल्लाह दी जदों अहमियत, रब दी किबरियाई, अल्लाह तो अल्लाह दी जलालत, उहदी बुजुर्गी, उहदा बहुत बड़ा होना, अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ा होना जिसले तेरे दिल दिमाग अंदर समा गया, उस वेले बुराई दा तसव्वुर भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। ऐ जे नमाज दा फलसफा, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह दा जिक्र बहुत बड़ा जिक्र है, यानी सब तो वड्डा जिक्र नमाज है। गल समझ आ गई ना? कई कहते हैं जिक्र करो भाई, कट्ठे हो जा, हा हो कोई पता नहीं लगता की कहना की नहीं। कह जी जिक्र हो रहा है, ये शब्बे जिक्र मनाई जा रही है। और नहीं सोने, सब तो वड्डा जिक्र ते नमाज है। इस तो उच्चा को वजीफा ही नहीं, जे नमाज नहीं सारी रात इंज खड़ा होके तू जनाब जिक्र कीती जा, वजीफे कीती जा, ते नमाज नहीं ते तेरा कुछ भी। हाँ, फिर तेरे जिक्र अज़कार सारे रस्ते च रह जाएंगे। ना तेरा हज कबूल, ना तेरा रोज़ा कबूल, ना तेरा कोई सदका खैरात कबूल, कोई अमल तेरी जिंदगी दा काबले कबूल नहीं होएगा अगर तेरी नमाज नहीं। बस नमाज अंदर पाबंदी कर लीए, सारा दीन फिरे दे मुताबिक विच ही आ जाता है। क्यों जी? फिर बंदे दी सारियां गलतियां निकलदियां चली जांदे ते नमाज नहीं पढ़दा। वो 100 गलतियां कढ़न की कोशिश करे, एडी वड्डी गलती है नमाज ना पढ़ना कि उहदी कोई अच्छाई अच्छाई नहीं। उहदे नामा एमाल अंदर एक नेकी भी दर्ज नहीं होएगी, नेकियां दा बैलेंस 0-0 ही रहेगा। सुन लो, नमाज तो बगैर, नमाज दी इतनी अहमियत है, बड़ा वड्डा जिक्र नमाज है। सब तो वड्डा जिक्र की है अल्लाह दा, नमाज। क्यों जी? गल याद रहेगी ना। और फरमाया वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह करीम चंगी तरह जानता है जो तुसी अमल करते हो ना। इस तरीके नाल सूरह बय्यिना दे अंदर अल्लाह करीम ने जनाब आयत नंबर 5 अंदर फरमाया, मालिक ने कमाल दर्जे का बयान सुने अल्लाह दा, फरमाया मैं उमिरू इल्ला लियबुदुल्लाह मुखलिसीन लउद्दीन। अल्लाह करीम ने हुक्म दिता जे तुहानू के नहीं मतलब यानी नफी इस बात होंदा है, वमा नाफी है, अल्लाह ने नहीं हुक्म दिया इल्ला। क्यों जी? इल्ला आ गया ते दा मतलब है इस बात इस काम नू करना है। हाँ जी, इल्ला लियअबुदुल्लाह, सिर्फ अल्लाह दी इबादत वास्ते। और फरमाया इबादत भी किवें करनी है? मुखलिसीन लउद्दीन, खालिस हो जाओ। बंदे आ दीन विच अपने आप नू खालिस कर ले, मुखलिस हो जा दीन वास्ते, यानी दिलों जाहिर बातन बिल्कुल है जी मुखलिस हो जा
दुरंगी नहीं होनी चाहिए, दो दो तरह का जेन नहीं, बस पक्का खो जा मुखलिस खो जा दीन वास्ते, दीन केड़ा है हुनफा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा दीने हनीफ, दीने हनीफ तो मुराद सैयदना इब्राहिम दी मिल्लत, जिस दीन ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते रहे उस दीन दे मुताबिक उस दीन नूं अगे पहुंचाने वास्ते आखिरी ईंट इमारत अंदर पूरी करने वास्ते नबियां दे इमाम आए। अल्लाह दे नबी नूं अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया ओ दीन मुकम्मल जेड़ा हन दीने हनीफ सिद्धा सिद्धा साफ साफ दीने हनीफे, और नाल ही फरमाया वयुकीमुस वयुकी वलियुक वयुकीमुस्सलाह। ना दीन जड़ा पूरे दा पूरा दीने हनीफ हो किए इस वास्ते के नमाज कायम करो वयुतुज़्ज़का और ज़कात अदा करो। अल्लाह ने नाल फिर दोबारा दसिया वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, ए पक्का ते सच्चा दीन है जे साफ सुथरा सीधा सीधा क़य्यिम मजबूत किस्म दा दीन सही दीन होइए। अल्लाहु अकबर, कायम रहने वाला कय्यिम मजबूत किस्म दा दीन, सुभान अल्लाह। ऐ जे मसला, और आली अल्लाह करीम ने जनाब सूरह मुमिनून दे अंदर कमाल दर्जे दा बयान फरमाया, कामयाबी दे भी गुर दस दिते, फरमाया कद अफलहल कामयाब हो गए मोमिन, मोमिन कामयाब हो गए। असल दे विच अफलाह दा मना चीरना फाड़ना, अफलाह फल्ला फल्ला हुंदा ना किसान, किसान नूं फल्ला कहिंदे ने, आ खेती बाड़ी करने वाला जिमीदार किसान। अल्लाह यानी इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया बस जिमें जनाब बीज बोंदा है किसान जमीन नू हल चला के फाड़ के, है जी जिमें जमीन च बोंदा है ना दाण, ते फिर ओदे चो गूरियां उगदियां ने फल फुल लगदे ने, फसल पक जांदी है ते लहलहाण लग जांदी है, हांजी फली मलूम हुंदी है ना। इसे तरह अगर कामयाब होना चाहना है ते फिर अपना दिल अपना दिमाग अपनियां अखां ते अपनी जबान अपने हाथ पैर जिस्म दा हर हर उज़व अल्लाह दे हवाले कर दे, अल्लाह दे हवाले फिर है कामयाब। एदा माना ये बनता है कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए मोमिन। अगे मोमिना दियाँ कामयाब मोमिना दियाँ सिफतां बयान हुई ने, नौ सिफतां बयान हुई, नौ सिफतां चो पहली सिफत भी नमाज, आखिरी सिफत भी नमाज, दरमियान च हो रही हैं, बात लंबी हो जाएगी मैं सारिया नहीं बयान करता। और पहली सिफत की है मोमिन कामयाब कौन ने, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिउन, ओ लोग जेड़े नमाजा दे अंदर खुशुओ खुजू पैदा कर देने, ये नहीं आया नमाज बस पढ़ी एक रस्मन पढ़ी दे कुछ नहीं, नहीं तेरा दिल कंबना चाहिदा है नमाज अंदर, अल्लाह दा डर दिल अंदर बिठावे ते नमाज अंदर कप कपी तारी होवे, नमाज अंदर तेरिया अखा गिलिया हो जान, बस अल्लाह नाल इतना मजबूत ताल्लुक जोड़, ये मतलब है खुशू खुजू दा, खुशू दा ये मतलब है, ये नहीं खुशू, जे खुशू वाली नमाज नहीं तो कामयाब कामयाबी नहीं, वो मोमिन ऐसी नमाज नहीं पढ़ रहा जड़ी उन्हें कामयाबी नाल हमकिनार फरमाएगी, तो खुशू खुजू वाली नमाज ही कामयाबी का सर्टिफिकेट,
गल समझ आई? इस वास्ते मेरे सोने नमाज ते पढ़नी पढ़नी, आना ही आना। और दुनिया दे सारे ख्यालात, दुनिया दे सारे जंजल, दुनिया दे सारे जितने जंजाल पै होए, जितनिया परेशानियां, जितने मसायब, जितने मामलात, उन्हां नूं दफन करके मस्जिद च वाड़, मस्जिद च दाखल हो, उन्हां नूं दफन कर, उन्हां नूं दफन करके मस्जिद दे अंदर आ जा, ते फिर वेख अल्लाह तबारक व ताला तेनू तेरी नमाज अंदर है जी कैसा खुशू खुजू अता फरमांदा है। उस वक्त रोना, उस वक्त तेरा है जी गिड़गड़ाना है जी, नमाज दे विच खुशू खुजू पैदा हो गया। अल्लाह कहेगा सोनिया बस बस सोनिया है जी, कामयाबी दे तेनू सर्टिफिकेट अता फरमा छड़े ने, जा जन्नत तेरे वास्ते पक्की। अल्लाह, जितनी देर तक ऐसी नमाज पढ़ते रहेंगे, खुशू खुजू वालिया नमाजा अलगरज गल समझदियाँ चला जाना। अल्लाह करीम ने फरमाया पहली सिफत, अल्लज़ीलहुम फी सलातिहिम खाशिऊन, फरमाया ओ लोग कामयाब ने जड़ियाँ अपनिया नमाजा अंदर खुशू खुजू पैदा करते ने। नाल अल्लाह करीम ने सिफता बयान करदियाँ करदियाँ आखर ते फरमाया वल्लज़ीनहुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, फरमाया ओ लोग हैं जी जेड़े अपनिया नमाजा की हिफाजत करते ने। हिफाजत के बारे अंदर हदीसा सुनता चला जावांगा, गल दूर ना निकल जाए। मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही हदीस अबू दाऊद शरीफ दी, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह को ताला फरमा दे ने, अहले मदीना दे नमाजियां दे अंदर, मदीना पाक दे जेड़े नमाजी सड़ना गल समझ जा, हजरत उबैब ने काब रजी अल्लाह ताला फरमांदे ने जनाब मदीना दे नमाजियां दे अंदर, यानी मदीने वाले जितने नमाजी सड़ना उन्हां दे नमाजियां दे अंदर एक बंदा एक साहिब हो जा सी जेदे घर नालों दूर किसी दूसरे नमाजी का घर नहीं सी, दूर सी घरों का, दूर सारे नमाजियां तो दूर, यानी शहर मदीने दे आखर तो आंदा सी नमाज पढ़न वास्ते आंदा। लेकिन हैरानगी दी गल सी कदी महीनिया दे अंदर एक नमाज भी तकबीरे उला तो लेट नहीं होया। वो इतने नमाज मसीह दे विच रहण वाले लेट हो जाने सी, क्यों जी? ऐसी नमाज उन्हां लोगों की सहाबा इंज दिल च ईमान उतरिया सी उन्हां दे, हैं पूरे महीनिया के महीने गुजर जा। उन्हें क्या मैं नहीं वेख्या, उबई बिन काब कहते ने मैं नहीं वेख्या उस बंदे नूं कि कदी कदी वो नमाज तो पिछे रहा हो, उदी जमात छुट्टी होवे, तकबीर उला दे नाल ना रलिया होवे, घर भी सारिया तो दूर ते आंदा भी सारिया तो पहले ते मसीतो जांदा भी सारिया तो बाद। वाह वाह, कैसा अल्लाह वाला होएगा, कैसा जन्नती इंसान होएगा। सुबहान अल्लाह, जिन्हां दी जिंदगी काबले तकलीद बना छड़ी अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कहंदे ने उन्हां नूं मशवरा दिता गया, मशवरे दे अंदर आख्या गया तू कोई सवारी दा इंतजाम कर ले, गधे और खच्चर दा इंतजाम कर ले, रात दी तारीकी दे अंदर दिन दी गर्मी दे अंदर मस्जिद विच आ जाया कर। ते जनाब वो बंदा की कहंदा है, वो दूरों आने वाला नमाजी कहंदा है मैं पसंद नहीं करदा ये गल, में मैं नहीं चाहता कि मेरा घर मस्जिद दे पड़ोस अंदर होवे। कहंदा मस्जिद दे गवांड मैं अपना घर पसंद नहीं करदा। मेरे नबी कोले गल पहुंच गई, गल चलदी चलदी प्यारे हुण हदीस बन लगी है, ऐ जे हदीसे रसूल क्यों जी, गल चलदी चलदी मेरे नबी तक पहुंच गई। अल्लाह दे नबी ने फरमाया हाँ भी की गल है प्यारे आ जी, तेनू जनाब ये गल क्यों आखी है कि मैं मस्जिद दे पड़ोस अंदर मस्जिद दे पहलू अंदर जंब दा लफ्ज़ आंदा, जंब ना पहलू, पहलू यानी
जनाब मस्जिद दे पड़ोस अंदर मैं अपना घर नहीं चाहता। मेरे नबी दे पुछण दे बाद सहाबी अर्ज करता है सोने बस गल ते इतनी किसी जड़ी मैं कीती है कि मैं चाहना मेरे दिल दी मनशा है मैं घरों जदों मस्जिद नू आवां मैनू आण दा भी अजर मिले जदों चल के घर अपने बीवी बच्चियां दे कोल अपने घर वालियां कोल जावां ते मैनू जाण दा भी अजर ते सवाब मिले। ला ला मेरे नबी सोने ने फरमाया ओ मिठड़े प्यारे जो तू चाहा तेनु अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया जो तेरा दिल चाहा सुभान अल्लाह जो तेरे दिल दी ख्वाहिश जो तेरे दिल दी चाहत और तमन्ना सी अल्लाह ने ओहो ओहो तेनु अता फरमा छड़ी तेरे ना वो बात रजिस्टर्ड हो गई है। जी मेरे सोने वीर इस वास्ते ते मैं अर्ज़ा लांदा पिया मेरे तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक सही मुस्लिम शरीफ दी होर हदीस समात फरमा दे जाओ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी अमरा अमरा ऐन दे उत्ते जबर मीम ते जजम रा दे उत्ते भी जबर अगे जड़ी ये ता हुंदी ना ता जदो स्टाप करोगे उनू हा दे अंदर बदल दे देन ठीक है ना असल दे अमराता अमराता ठीक है ना जनाब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी अमरा रजी अल्लाह तआला फरमा देने सैयदना उस्मान अब्दुर्रहमान इब्ने अमर अबी अमरा कहते ने कि जनाब जी फरमा देने के सैयदना उस्मान इब्ने अफान रजी अल्लाह तआला मगरब की नमाज तो बाद ही अकेले आए मगरब की नमाज तो बाद थोड़ी देर बाद ही आ गए थोड़ी देर बाद अकेले मस्जिद विच दाखल होए ते कल्ले ही बह गए मस्जिद च बैठ गए। हजरत अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान इब्नु अबी अमरा फरमांदे ने मैं भी जाके उन्हां दे करीब बैठ गया मैं किनेड़े जाके बह गया ते हजरत उस्मान इब्ने अफान फरमान लगे भतीजे मैं अल्लाह दे नबी कोलो सुनिया सी अल्लाह दे नबी फरमा रहे सन जेड़ा बंदा इशा दी नमाज जमात नाल पढ़ लेंदा है अल्लाह नू अद्धी रात दे कयाम दा सवाब अता फरमा देंदे इसे तरह आपने फरमाया जेड़ा सुबह दी नमाज भी जमात नाल आके पढ़ ली मतलब की मगरब तो बाद क्यों आके बह गए कल्ले मस्जिद के इशा दी नमाज किधरे कजा ना हो जावे मैं अपने काम च निकला सज्जे खब्बे होवां किधरे किधरे इशा दी नमाज जमात ना रह जावे आहो जमात नाल नमाज पढ़ लै इशा दी ते अद्धी रात दे क्याम दा सवाब ते फिर सवेर दी आ करके नमाज पढ़ लै कि तेनू पूरी रात गोया के नमाज ही पढ़दा रहा है। अल्लाह अल्लाह अकबर क्या बात है यार ओ सन नमाजी लोग ओ उन्होंने कहते ने नमाजी हैं जी साड़िया नमाजा वेख लीए अपना अपना हर बंदा मुहासबा करता चला जाए। इस वास्ते ते मैं अर्जा ला रहा मेरे प्यारे वीर एक होर सही हदीस आ गई अन बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला हजरत बुरैदा फरमा दे ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा तो दिल चाहता सी कि मैं इन्हों जुमलिया पूरी दी पूरी तकरीर अंदर पूरे खिताब अंदर पूरे जुमे दे खुतबे दे अंदर ये जुमले ही पढ़ी जावा जेड़े मेरे नबी दे होंठां चो निकले ये प्यारे जुमले अल्लाह दे नबी ने फरमाया बशिरिल मशीन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة اللہ دے نبی فرمایا رات دے اندھیرے دے اندر
चल करके आने वालों को खुशखबरी सुना दो। क्यों जी? वाह, रात दे अंधेरे च, रात नूं इशा दे वेले, हाँ हाँ, सुबह दी नमाज दे टाइम अंधेरे च ही आना होंदा मस्जिद, रात दे अंधेरे दे अंदर मशाल चल करके आने वालों को खुशखबरी सुना दो, क़यामत वाले दिन बिलूरत मुकम्मल रोशनी दर तामें ताम के अंदर मुकम्मल मुकम्मल रोशनी मुहैया की जाएगी, ओ नूर 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 अंदर रहेंगे, नूर भी जिदा होएगा के दिन चढ़ जाएगा। क़यामत वाले दिन अनेरिया तो बच जाएंगे, है जी अनेरे ने जहन्नम अंदर अंधेरे ने गोया के जहन्नम तो बच जाएंगे। वसरी ने भी लिखे कमाल हो गई। जी 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 सोने अगली गल तो समझना, जी जी मुस्लिम शरीफ दी हदीस, मेरे तेरे प्यारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद 1488 नंबर हदीस है, मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे सामने अगर तू चाहना है, इधर देख, अगर तेरी चाहत है ना, अगर तेरी तमन्ना है, अगर तेरी चाहत है सोने, अगर तू चाहना है कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे दरबार अंदर मुसलमान दी हसीयत नाल पेश होवे, मुसलमान बन के मुसलमान दी हसीयत नाल अल्लाह दे दरबार च हाजिर होवे, अगर तू ये चाहना है ना, ते फिर फरमाया जमात नाल नमाज अदा करया कर, नमाज बा जमात अदा करया कर, अगर तू चाहना है कि मैं मुसलमान दी हसीयत नाल अल्लाह दे दरबार च क़यामत वाले दिन पेश हो। गल समझ आ गई ना, कितनी वाजे बात है, अगर ये भी बात ना ना समझ आवे, मेरी जिंदगी का पहली मरतबा है टॉपिक, आज तक मैं इस खिताब नूं ए जड़ियां हदीसा ने मैं इतफाक होर बहुत सारे बयान ने, बड़िया नमाज के बारे बयान होंदिया रही, लेकिन यह नहीं बयान हो सकियां इतफाक नाल पूरी जिंदगी के अंदर पहली मरतबा। जी जी सोनिया गल तो समझ लै, इस वास्ते मेरे तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुसी जमात तो पिछे रवोगे, लंबी हदीस है, मैं मफहूम जहा खुलासा बयान करना, मेरे नबी ने फरमाया नमाज तो पिछे रखोगे तो गुमराह हो जाओगे, जमात जी छुटती चली जाए, कई लोग कहते हैं जी जमात निकल गई तो उत्ते घर ही पढ़ लीए, ना ना जमात तेरी किसे शरी उधर दे तात निकल जाए तो नमाज मस्जिद में आके पढ़िया कर, नमाज नाम ही पढ़नी हो ना, फर्ज का टाइम नाम ही हो, किसे वेले अल्लाह के बंदे मस्जिद आया कर, मस्जिद में आया कर, हाँ मस्जिद च आन दा सवाब इतना ज्यादा है, मैं तेनू सुनाना अगे जाके हदीस, दंग रह जाएगी अकल तुहाड़ी कि तुसी कहोगे यार इतना इतनी इतनी अहमियत है दी, सिर्फ मस्जिद अंदर आन दी एडी वड्डी अहमियत, सुभान अल्लाह, ते नमाज पढ़न दी कितनी अजमत होएगी, सुनो जरा अहमियत नमाज क्या बात है, अल्लाह अकबर, असल बयान करने वाली बंदे नू इलम आंदा है ते अमल दी तौफीक, यकीन जानो असी हदीसा जदों बार बार पढ़िया पढ़ते रह, तालिब इल्मी दे दौर च पढ़िया बाद च पढ़िया पढ़ते रहने, लेकिन सारे दा सारा जखीरा सारे हुण इमाम बुखारी ते नहीं बन सकते, क्यों जी सारे दा सारा जखीरा जेहन च महफूज नहीं हो सकता, तो फिर जदों नवे सिरों फिर पढ़ी दी ना हदीस, इंज लगता है जिवें अज तक असी जीरो तो अगे नहीं वधदे पे, इलम दे एतबार नाल जिवें जीरो ते ही अजे फिरने आ, है जी अजे वल सिखने अलफ बे ते ही फिरने अजे, है अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह, सुन जरा ईमान तादा होवे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अगर तू चाहना है कि कल के आमद वाले दिन, कल दा लफ्ज़ बोले अल्लाह दे नबी ने, कल के आमद वाले दिन मुसलमान दी हसीयत नाल अल्लाह नू मिलना मिलना है, ते फिर बाद जमात नमाज पढ़िया कर, क्यों जो सुन्नत दे तरीकियां चो तरीका है जेड़ा नबी हदायत वाले तरीके लै करके आया, हदायत वाले तरीकियां चो बाद जमात नमाज पढ़ना भी एक हदायत दी राह है, हदायत दा रस्ता है। ते जे बंदा बाद जमात नमाज नहीं पढ़ेगा, हदायत वाले रस्ते तो पीछे हटेगा, तो गुमराही है, फिर गुमराह हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जड़ा बंदा सोना वुजू करे, प्यारा जा सोना अच्छे तरीके नाल वुजू करे, हाँ जी अच्छे तरीके नाल सोना वुजू करता है जड़ा बंदा, ते चल पैंदा है मस्जिद वल, ओदे हर हर कदम दे बदले एक नेकी मिलती है, एको दा जन्नत विच दर्जा बुलंद हुंदा है। ते दर्जा किड़ा किड़ा है, मा बैन समावाति वल अर्ज, फरमाया एक दर्जे दा दूसरे दर्जे दे दरमियान फासला इतना ज्यादा है जिवें जमीन और आसमान दा फासला है, एडे एडे दर्जे बुलंद होंदे ने जन्नत, हर कदम दे बदले, आहा सुभान अल्लाह, हर कदम दे बदले ओनू एक नेकी भी मिली जाएगी, ओदा एक एक दर्जा भी बुलंद होएगा, ओदी एक एक ओदी बुराई भी मिटा दी जाएगी। कितना बड़ा जरे वुजू चंगा करके, सोना जा वुजू करके, ते फिर मस्जिद अंदर आवे, और ऐसे तरीके नाल रावी हदीस दा रावी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमा देने के जनाब साडे चो कोई भी एगो जा नहीं सी जेड़ा बाद जमात नमाज तो पिछे रहिंदा होवे, एक भी बंदा ऐसा नहीं सी। वाह, हुण हजारां ते लखां लभ दे रहे, क्यों जी जमात ते जमात ते जमात वैसे भी ना पढ़न वाले थे मुसलमान पक्के रे, बंदा पूछे मुसलमान है, कहंदा मौलवी जी को शक है मेरी मुसलमानी च, हाँ हाँ मैं कह शक है, मैं कह मुसलमान है, कहंदा हाँ जी नमाज पढ़ना, आखे ना जी, ओ मुसलमान है, आखे हाँ जी, रोज़ा कदी रखे, आखे ना जी, पुछो मुसलमान है, तो हाँ जी कही जाता है, मुसलमान वाला काम कोई पुछो तो कहंदा ना जी, अल्लाह कहंदा सोनिया इधरों भी ना जी, तेरी एहो जी मुसलमानी ते हो जा कलमा पढ़ना कबूल ना जी, अल्लाह भी कहंदा ना जी, हाँ हाँ ये तू जिन्ना मर्जी तस्वी फेरी जा, मैं मुसलमान मैं मुसलमान, ये तस्वी फेरने नाल मुसलमान नहीं बनता, क्यों जी नमाज पढ़ नाल, नमाजी सिर्फ मैं नमाजी कहने नाल नमाजी नहीं बनेगा, नमाज पढ़ेगा तो नमाजी कहलाएगा। इस तरह बंदा चला जावे पैसे ला के 8 लाख रुपया ला के, हाँ जी मुफ्त अज हो जाना जी माशाल्लाह, तब्दीली आ जानी है ना, मदीने की बस्ती बननी है जी, कित्थे चली गई गल अल्लाह वाह, किसे गरीब का बस ही नहीं अज कर सके, तो बार कैफ इन्ने पैसे ला के जावे उथे, ते बैतुल्लाह का तवाफ भी कर लवे, तवाफ करके बह जावे, ते फड़ के तस्बीह फड़ के बैठा होवे, कही जावे मैं हाजी मैं हाजी मैं हाजी मैं हाजी, हाजी बन जाएगा। और सुनिया नमाज एक अमल का ना है, हज भी एक अमल का ना है, तस्बीहां करने वाला हाजी बनने होंगे, मुंह नाल गल करने वाला मदीने की बस्ती पाकिस्तान बनना होंगे, तो अज नूं कदे दी बन जाती, क्यों जी हाँ गल्लां नाल तब्दीली आनी होंगी तो आ जाती ना, हूँ दस आई पई है वेख लो, लै लो लुत्फ सारे सारे मजे लवो, हाँ आखे जी तब्दीली तब्दीली वाह, मैं तो हैरान हाँ अल्लाह माफ फरमावे किधर नू जा रही है कौम, की हो रहा है, की बस जो तो इशारा आंदा है, हाँ जी तुहाडी ते वैल्यू कख दी नहीं, तुहाडे अड्डा चो कढ के इलैक्शन दे उत्ते पैसा जाया कर देना, तुहाडे अड्डा चो 23 अरब तो ज्यादा पैसे लगे इलैक्शन ते, हाँ जी हाँ 23 अरब तो तुहाडे विचों कल्ले कल्ले बंदे ओदे विचों निकलने ने पैसे निकल के, ते ओदी वैल्यू की है, जो पहले ही फैसला किया होंदा ओदे ते ही अमल है, जो बाहरों आर्डर आंदा अमल ओदे ते ही तुहाडा, हाँ जी इन्ने पैसे तुहाडे ला के ते तुहाडा वोट बूट दी लोक ते रखिया जांदा है,
लेकिन असी लोग फिर भी नहीं लगते, सिर्फ मुँह बंद कराने वास्ते इलेक्शन, बाकी सिलेक्शन हुई होंगी सारी, फिर इतने करना की तुहाड़ी परवाह ही नहीं, तुहाड़े वोटा नाल कोई बंदा आंदा ही नहीं, उन्हें तुहाड़ी परवाह की है। क्यों जी? खुशखबरियाँ सुन लो, बस खुशखबरी सुन लो पाकिस्तानियों, खुशखबरी सुन लो। हाँ जी, उस दिन ही तेल वध्या हुंदा है जनाब 4-5-7 रुपये, उस दिन ही जनाब बिजली 3-3 वारी 5-5 मरतबा एक महीने च ऐलान हुंदा पिया बिजली दे रेट वध गया, रेट वध गया, जो बिल आया हुंदा बंदा सिर फड़ के बह जाता है। हाँ जी, कई बंदे बेचारे टुर भी जाते हैं इस सदमे नाल, किन्ने ही रोज़ अखबार भरे होंगे ने। तो बार कैफ गल करन दा मकसद यह है सुने, अपने आप अंदर जे असी नहीं तब्दीली कर रही, असी किसी नूं की कह सकते, सारे इको जे आ, वह भी इको साढ़े वर्गे ही हो रहे। क्यों जी? साढ़े चो गए ने ना, साढ़े वो जने, सानू अगर इन्नी डिमांड मिले हो सकता साढ़े चो कई बंदे वज़ीरे आज़म बनने वास्ते तैयार हो जाए। हाँ जी, कई बंदे तैयार हो जाने, एडी डिमांड मिले, है जी, इन्ना पैसा मिले, एडी टौर चौधर मिले, कई बंदे तैयार हो जाएंगे। क्यों जी? मिमरी वास्ते लोग मारे मारे फिरते हैं, मारे जे। हाँ जी, इस वास्ते मैं इधर, ये मेरा खिताब नहीं हों, मैं इस पास जाता नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम दिल सड़िया तो बढ़िया पे है जी, तबाह है अंदरों बिल्कुल, इंज इतने रंजीदा, इतने गमजदा कि जी कोई इंतहा नहीं, सारे के सारे लोग परेशान ने। लोग कहते ने बनेगा की जो दिल करता, जेब चो करोना कट के इतने सजा देंगे ने, जेब च पाया होंगे, जो दिल करता कट के सजा दिता आ गया भी करोना, तो जो दिल किया कट के जे जेब च पा लिया लपेट लपेट के, बस ए जी करोने की असीयत। अल्लाह माफ़ करे, या अल्लाह सानू माफ़ फरमा दे जी। मेरे सोने वीर, हर बंदा लखा रुपया लोगों ने खर्च किया हो, रोंदे पे ने, कहते कारी साहब कभी साल बाद तुहाडा टाइम मिलिया है जी, ओला बाद टाइम साढ़े दिन रात एक होया हों, वो हूँ इश्तहारों के उत्ते काटे लग के लिखे कैंसल लिख के आ रहे हैं, इश्तहार राबता कर रहे हैं, नाले रोंदे ने बंदे, कहते हैं यार की असी जाइए किड़े पासे। हैं जी, जदों दिल करदा काम शुरू हो जाता। तो बार कैब गल करन दा मकसद यह है सोनिया, असी अपने हालात बेहतर कर लीए, रब नाल ताल्लुक जोड़ लीए, असी चंगे बन जाइए, साढ़े चो फिर कोई चज का बंदा अगे जाए। क्यों जी? कोई बंदा अगे जाए, चज के बंदे नूं वोट देना है, होर कोई पाकिस्तान के अंदर तरीका नहीं कि तुम उसंबलियाँ जा सको, वरना उन्होंने कब्जा रहेगा सारी जिंदगी। अप अच्छे लोग तैयार करो, अपन नस्लों अच्छी तालीम दो, ईमानदार दयानतदार बनाओ, तो इन लोगों की सपोर्ट करने वास्ते बंदे तैयार करो। क्यों जी? ये लोग फिर अगे भेजो तो फिर किधरे कोई तब्दीली आ सकती है, वरना गल्ला नाल तब्दीली वाली गल कोई नहीं। मैं अर्ज़ कर रहा सा, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जेड़ा रावी हदीस दा, रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते ने, साडे चो कोई बंदा इज्दा नहीं सी जेड़ा बा जमात नमाज तो पिछे रहिंदा होवे, कोई एक बंदा, इल्ला इल्ला के ओ बंदे, या सिवाए उन्हां लोगां दे, उन्हां मुनाफकां दे सिवा के जिन्हां दा निफाक सारे लोगों नूं मालूम सी, सारे लोगों नूं पता सी आ मुनाफक है, आ जिहड़ा नमाज तो पिछे रहिंदा ना, सारे लोगों नूं पता पक्का मुनाफक है। क्यों जी? ओ पिछे रहिंदे सन, साडे चो कोई बंदा है जी, रावी कहिंदा है, रावी कौन है? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताल, कहते हैं साढ़े चो कोई बंदा जमात तो पिछे रहिंदा नहीं सी। गल याद करते जाओ तकरीर, मैं इस तरीके एवं जमीनों आसमान दे कलाबे मलाई जाने हैं जी, आखिर जी हजरत साहब ने फटियां उखेड़ दिया, फलां करता इधर जनाब, ठीक है जरूरत के मुताबिक कोई शेर पढ़ भी लीद, लेकिन नहीं एवं नहीं कि पूरी पूरी तकरीर अंदर शेरा नाल है जी, इधर उधर बात लई जानी, नहीं नहीं ऐ नहीं बात, गल याद करो। मैं याद करवाने की कोशिश करना सबक, ताकि तुहानू सबक याद हो जाए। क्यों जी? सबक पढ़न आते हो तुम माशाल्लाह, कितने अच्छे लोग, कितने प्यारे लोग हो, इधर क्या जी जरा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने, प्यारे नबी जम्बा जमात नमाज दी बड़ी तलगीन फरमाया कर दे, साडे चो कोई बंदा ऐसा नहीं सी, एक भी बंदा हो जा नहीं सी जेड़ा जमात तो पिछे रहिंदा होवे, इल्ला उन्हां बंदियां दे सिवा कि जेड़े मुनाफक होण, जिन्हां दा निफाक लोगों नूं मालूम होया करदा सी, हत्ता के इहो जे बंदे वेखण दे अंदर आंदे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने कि जनाब जिन्हां नूं दो बंदे इवें सहारा दे करके लियांदे ते सफ दे विच लिया के खड़ा कर देंदे, इतने इतने बीमार भी लोग, हा हा हा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई बंदा
मैं ये नहीं कहता हदीस का नंबर दसो, रावी तो मैं बार बार बयान करता हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। कोई बंदा तुहाडे चो सब तो पहले जो उंगली खड़ी करेगा ना है कि यह हदीस केड़ी किताब च जिन्हों याद है हदीस जी मैं पढ़ता पाया यह जी मुकम्मल सुना के हटियाँ। कोई बत्ता कोई बच्चा कोई छोटा कोई व्डा उंगली खड़ी करके दस सकता है, दस सकता है खड़ा होके के हदीस खड़े हो जाओ जी मैं है नहीं 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 किताब केड़ी है केड़ी किताब की हदीस है जी मैं सुनाई, मैं हवाला दिता शुरू च नंबर भी दसिया, मैं नंबर नहीं पूछता हदीस का नंबर नहीं पूछता। कोई दस सकता है क्या हदीस मैं जी सुना के हटियाँ बा जमात नमाज तो असं पिछे नहीं रेंदे सा कोई भी, ये हदीस केड़ी किताब अंदर मौजूद है हैं जी। ओ जिंदा खड़ा हो जा पुत्र खड़ा हो जा, जज़ाकुमुल्लाह अहसन एदरा एदरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह, एहो जे लोग एहो जे जवान चाहिए बेटा मेरी तरफों इनाम, मैं मेरी तरफों इनाम 1000 रुपया तेरा जी, एहो जे बंदे चाहिए ने अल्लाह की कसम ज़ेहन हाजिर रख के बैठने वाले सुबहान अल्लाह, अल्लाह बेटे तेरी जिंदगी बरकत फरमाए, अल्लाह तुहानू एडे ज़हीन लोग हो इन्ना समझदारी नाल सुन दे दिल मेरा खुश हो जाता है, मेरा भी दिल करता है अल्लाह की कसम खा के कहना। तुसी हैरान होवोगे पूरा हफ्ता मेरे खिताब रहने, मैं घर नहीं जा सकिया फैसलाबाद है जी जनाब, कल आया फैसलाबाद तो टाइम नहीं लगे इधरों फोन इधरों मिलने वाले इधरों फतवा लैन आए इधरों कुछ करने वाले, और मैं आख्या मैनू कदों का तुम मुफ्ती बना लिया जे, इधरों तलाक आए फतवे इधरों दूसरे, वो जनाब सारा दिन रात के 12 बजे तक इंज मैं किताबा खोल के है जी पेंसिल लैके कापी लैके मैं अगे बैठा रहा रात के 12 बजे तक, फोना ने जान नहीं छी मिलने वाले जान नहीं छी, तो रात के 12 बजे मैं एरोप्लेन ला के ना फोन बंद करने तो बाद फिर मैं शुरू की रात के 3:30 बज गए, 3:30 बजे की मैं सुता तो की जागया तो किस तरीके सफ़र किया, जौक मैं मजबूर करता है कि मैं अल्लाह की मेहरबानी दिन रात जाग करके अल्लाह की तौफीक नाल और मेरे मालिक दी तौफीकां इतनिया ने कि इंज लगता है जिवें शायद महीना मैं रेस्ट करके ही आया, महीना पूरा मैं सुता ही रहा जिवें सौ के नींदरा पूरिया करके आया, ये मेरे मालिक की तौफीक है। अल्लाह अकबर अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस गल समझ आ गई। अगे चलो मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद हदीस बुखारी दी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते ने प्यारे नबी तो रवायत करते ने सोने नबी फरमाया कि जनाब एक नमाज बाद जमात पढ़ने का सवाब कल्ले नमाज पढ़ने नालों 27 गुना बढ़ जाता है, 27 नमाजा का सवाब मिलेगा, 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। 27 गुना क्यों क्या जे जिमें तेरी एक नमाज दे विच खुशू खुजू है जिमें अजर बढ़ जाता है ना खुशू खुजू नाल उमें 27 दर्जे जनाब सवाब बढ़ जाएगा। और इस तरह सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है हाँ जी जनाब 551 नंबर हदीस हजरत अबू हुरैरा दे रावी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके फरमाया क्या तुहाडे चो कोई बंदा ऐसा है जेदे घर दे अगे नहर जारी होवे नहर चलती होवे 5 मरतबा नहर अंदर मल मल करके नहाए गुसल करे, जेड़ा इंज नहाएगा 5 बेरी दिहाड़ी दे अंदर 1 दिन अंदर क्या उदे जिस्म ते कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगी। साबा कहंदे ने या रसूलल्लाह मैल कुचैल कित्थों रहनी है, ओदा ते जिस्म पाक ते साफ हो जाएगा कोई मैल दा जर्रा बराबर नहीं होएगा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया एहो ही नमाज दे बारे अंदर जिहड़ा 5 नमाजा जनाब 5 नमाजा पढ़दा 1 दिन दे अंदर फरमाया ओदी मैल कुचैल खत्म, यानी ओदे इसे तरह 5 नमाजा नाल गुनाहां दी मैल दूर हो जाएगी, गुनाह खत्म हो जाएंगे। इस तरह मुस्लिम शरीफ की एक होर हदीस आई मेरे प्यारे नबी ने फरमाया एक नमाज पढ़ो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी 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 सोने इंजी एक नमाज दूसरी नमाज तीसरी नमाज चौथी पंजवी 1 दिन दियां 5 नमाजा पढ़े ते तेरे जुमे तो लैके अगले जुमे तक दे गुनाहां दा कफारा बन जाणगियां।
पांच नमाजा पूरे अठा सत्ता दिन का कफारा उन्होंने गुनाहों का कफारा बन जाएगियाँ। फिर मुस्लिम की होर हदीस आई, मेरे तेरे प्यारे नबी ते सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमा दे, आ जड़ी हदीस मैं तुम सुना लग्या सा, हदीस ये सी प्यारे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह मस्जिद वल आंदा है, यानी फर्स्ट टाइम, यानी पहले टाइम मस्जिद में आंदा है, यानी 6 बजे 7 बजे है जी नमाज तो बाद आंदा है, नमाज वास्ते हदीसा अलग ने, वैसे मस्जिद आंदा है, जेड़ा बंदा मस्जिद सवेरे आंदा है और इसे तरीके नाल शाम नू मस्जिद की तरफ आंदा है, पिछले टाइम फरमाया मस्जिद वल गया, हर मर्तबा मस्जिद विच आने दे बारे जंदर मस्जिद वल गया है, मस्जिद विच आया है, अअद्दल्लाहु लहु फिल जन्नति नुज़ूला। फरमाया हर मर्तबा मस्जिद विच आन नाल अल्लाह ओदे वास्ते जन्नत विच ओदी मेज़बानी तैयार कर देंदे। रब दा मेहमान हुंदा है जी, जन्नत मेज़बानियां तेरे वास्ते तैयार हो रही ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जी। मेरे प्यारे वीर, मेरे तेरे प्यारे नबी दे सहाबी, इन शाही शरीफ दी सही सनद नाल हदीस है, हजरत अनस फरमाते ने अल्लाह दे नबी फरमाए हुब्बिबा इलैया अन्निसाउ वत्तीब, दुनिया दियाँ चीज़ा चो तीन चीज़ा चो मैनू औरत और खुशबू मेरी पसंदीदा बना दी गई, मेरी चाहत बना दी गई है। नाल फरमाया हुआ जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मगर मेरी अखां दी ठंडक नमाज विच, अखां दी ठंडक नमाज पोशीदा रख दी गई है। वाह जी वाह, गो मेरिया मरगूब और पसंदीदा चीज़ा बना दित्तियां गईयां, औरत पाकीज़ा औरत नू मेरी पसंदीदा बना दिता गया, खुशबू नू मेरी चाहत बना दिता गया। लेकिन सच्ची बात है अल्लाह दे नबी फरमा देने नमाज अंदर जड़ी पोशीदा है वह मेरिया अखां दी ठंडक है, मेरी अखां दी ठंडक नमाज अंदर पोशीदा रख दी गई है। हदीस आखिरी, लेकिन मेरा ख्याल आंदा है कि ये भी फिर कभी सुनावांगे, 25 मिनट हो गए ब्रेक लग गई, क्यों जी ईद खान साहब, अल्लाह की मेहरबानी ना जी, अपनी गल दे पक्के हैं इंशाअल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूब।